हाय जाने मन जाने जिगर जाने तमन्ना स्वीट हार्ट, ये क्या बदतमीजी है? तुम हमारे दिलो दिमाग में उतर गई हो, और जो चीज हमारे दिल में उतर जाती है हम उसे हासिल कर लेते हैं प्यार से या फिर जबरदस्ती। छोड़ दो मुझे। चल, चल। मैं कहती हूँ छोड़ दो मुझे। बैठ जा। यू स्काउंडरल। ये जानते हुए भी कि हम दोनों की शादी होने वाली है, तूने उससे इसीलिए तो उठा के ले जा रहा हूं। एक बात ध्यान से सुन, आज के बाद अगर तूने सीमा की तरफ आंख उठाकर देखा तो जान से मार दूंगा तुझे। मनोज चलो सीमा। पुलिस की नौकरी भी बड़ी अजीब है, दिन रात बस काम ही काम और कुछ नहीं। सीमा, इस वक्त मैं बहुत बिजी हूँ, तुमको बाद में फोन करूँगा। नहीं, कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी, तुम्हें आना पड़ेगा अभी इसी वक्त। प्लीज सीमा, प्लीज समझने की कोशिश करो। क्या समझने की कोशिश करो, मैं नहीं समझती कुछ भी। बाय। मोंटी तुम? यस जानेमन, मैं। तुम यहाँ किस लिए आए हो? इसलिए कि आज जीने की तमन्ना है, आज जीने मरने का इरादा है। आदाब। निकल जाओ यहाँ से। आज तो मैं तुम्हें अपना बना के छोड़ूंगा जानेमन। सीधे जाते हो या मनोज को फोन करो? ना 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 ना। क्या है उस दो कौड़ी के पुलिस इंस्पेक्टर में जो तुम एक करोड़पति एमपी के इकलौते बेटे को ठुकरा कर उससे शादी कर रही हो? आज तो मैं तुम्हें अपना के छोड़ूंगा। देखो मोंटी, जूता चाहे कितना भी कीमती हो, उसे घर के अंदर नहीं लाया जाता। उठो और शराफत से चले जाओ। अगर शराफत से जाना होता तो इस तरह से अंदर नहीं आता। और सुनो, शादी तो मेरे ही साथ होगी, अब भलाई इसी में है कि चुपचाप मान जाओ। नेम साहब, सामान निकाल लूं? नहीं, रहने दो, मैं ले लूंगी। और सुनो, सुबह जल्दी आना, मुझे कार्ड भी बांटने जी। ये रही चाबी। सीमा, सीमा। चिल्ला, चिल्ला, और जोर से चिल्ला।
क्यों ना मैं इसे अपना चोला पहना दूं, ताकि दुनिया ये समझे कि कैदी नंबर 36 मर गया है। सर, कैदी नंबर 36 की लाश तो बरामद हो गई है, मगर उसका चेहरा इतनी बुरी तरह से कुचला गया है कि पहचानना मुश्किल है। ओके सर, ओके, तुम उधर जाकर बंदोबस्त करो। ओके सर। सर, ये पत्थर खाई में मिला है, इसमें खून लगा है। तुम एक काम करो, इसे लेबोरेटरी में भेज दो। यस सर। हो सकता है वो लाश किसी झाड़ी में या चट्टानों के बीच अटक गई हो, कहीं वो पुलिस के हाथ लग गई तो। कुछ नहीं होगा मम्मी, और फिर क्या सबूत है कि हमने ही। जाओ देखो कौन है। किससे मिलना है? अरे, अंदर कहाँ जा रहे हो तुम? Excuse me, please. रुक जाओ, मम्मी। ये क्या बदतमीजी है? जबरदस्ती हमारे घर में घुस गए? आखिर तुम हो कौन? कैप्टन अजीत, जिसे फांसी की सजा हो गई थी और जो पुलिस की हिरासत से फरार हो गया था, वो मैं ही हूं। झूठ नहीं कह रहा हूं, सच कह रहा हूं मैं। जहां मरना था वहां मरा नहीं, और जहां मरा नहीं वहां सरकारी फाइल में मर गया। लेकिन तुम यहां क्या करने आए? मैं यहां कुछ दिनों के लिए पुलिस की नजरों से बचकर रहूंगा, जिसमें आप लोग मेरी मदद करेंगे। तुम्हारी मदद हम क्यों करेंगे? मेरी मदद आप लोग क्यों करेंगे? बड़ा वाहियात सवाल है ये। एक खूनी की मदद एक खूनी नहीं करेगा तो और कौन करेगा? अरे क्या 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 देख रही है एक दूसरे को? आप मां बेटी दोनों हनुमान पहाड़ी पर कोई मरा हुआ चूहा फेंकने तो नहीं गई थी? एक अच्छा भला इंसान था बेचारा। तुम मां बेटी खूब अच्छी एक्टिंग कर लेती हो, तुम्हें तो बेस्ट एक्टिंग का अवार्ड मिलना चाहिए, मगर सच्चाई तो यह है कि तुम्हारी एक्टिंग भी तुम्हें निर्दोष साबित नहीं कर सकती। बैंग! सोच विचार कर लीजिए, अब दो ही रास्ते हैं। या तो हम तीनों इस घर में आराम से पुलिस की नजरों से छुप कर रहे, या फिर जेल में पुलिस की निगरानी में रहे। यहां रहेंगे तो इज्जत आबरू बनी रहेगी, आप अपने नाम से पहचानी जाए। जेल में तो किसी का नाम नहीं होता, वहां तो पहुंचते ही आप श्रीमती आशा देवी से कैदी नंबर कुछ हो जाएंगे, इसलिए सोच विचार कीजिए। हेलो सीमा। हेलो आंटी। मनोज बेटे। सॉरी आंटी, मैं कल नहीं आ पाया, कल एक खून हो गया था। खून? जी हाँ, एक कैप्टन अजीत जो जेल से फरार हो गया था, उसका किसी ने खून कर दिया। मनोज बेटा, ये हमारे मुंह बोले भाई हैं, कुमार वीरेंद्र सिंह, कल ही लंदन से आए हैं। हेलो, हेलो यंग मैन, हाउ डू यू डू? आई एम फाइन थैंक यू, आपकी तारीफ। ये मनोज है, मेरे होने वाले दामाद। Oh, so you're the lucky man, huh? Congratulations. Thank you. अच्छा भाई, अब ये बताओ तुम काम क्या करते हो? ओह, पुलिस वाले हो तुम? दरअसल क्या है कि भारत छोड़े हुए बहुत साल हो गए हैं ना, तो इंडियन पुलिस की वर्दी याद नहीं रही। मिस्टर वीरेंद्र,
लगता है भारत छोड़े हुए आपको बहुत ज्यादा साल। माय डियर यंग मैन, आजकल किसका पीछा कर रहे हैं आप? कैप्टन अजीत का किसी ने खून कर दिया है, मैं उसी खूनी की तलाश में हूं। कोई चक्कर तो जरूर है। सीमा, सीमा देखा आंटी, हम दोनों यहां बैठे हैं, ये देख पा रही है, ऐसी कौन सी खास बात है भैया? कुछ भी तो नहीं, लो चाय ले लो, बिस्किट भी लो ना। तुम तो कुछ भी नहीं ले रहे हो। क्या बात है मामा जी, सवेरे सवेरे शिकार का शौक, वो भी कुत्ते का, ये गोली क्यों चलाई? भाई वाह, क्या बात है, तुम तो वाकई काबिल पुलिस वाले हो, गोली चलते ही तहकीकात शुरू कर दी। तुम ऐसा करो, पहले कुत्ते का बयान लो, फिर मैं आपसे बात करूंगा। मुझे तो लगता है कि कभी आप लंदन में थे ही नहीं। क्यों? क्योंकि सुना है कि लंदन वाले जानवरों से बहुत प्यार करते हैं। प्यार तो करते हैं मगर बहुत नहीं, बहुत प्यार तो वो इंसानों से ही करते हैं। लेकिन मामा जी, रहने दो बेटा, पहले चाय तो पी लो। जी नहीं आंटी, मुझे देर हो जाएगी, मेरी ड्यूटी का वक्त हो रहा है। बाय सीमा। बाय। फिर कभी फुर्सत में मिलेंगे। बाय। बाय मामा जी। करने को तो हिम्मत करके तुम दोनों ने खून तो कर दिया और अपने जुर्म का सबूत अपने आंगन में दफना कर रख दिया जैसे कोई अनमोल खजाना हो। शुक्र करो कि मैं वक्त पर आ गया और उस कुत्ते को डरा कर भगा दिया, वरना तो मां बेटी फांसी के एक ही फंदे पर झूल जाती।